इसमें ठीक है ना, कि लस्सी बड़ी फायदेमंद चीज़ है, एक सिर्फ एक दिन वीक में जब चीट है आपका तो वो फायदेमंद है। सर ये ग्वाल मंडी के लोग तो रोज पीते हैं लस्सी भाई, ये इनको ये नहीं ना पता ये फैट है, ये खुद खुद लेफ्ट जा रहे होते हैं, पेट इनका राइट जा रहा होता है। ये तो ब्राह्मण आप देख लो, रोज स्लीप पीके की लस्सी पीने, स्पेशली पीके की लस्सी पीने आते हैं हम। सर क्या कहते हैं इस लस्सी के बारे में? लस्सी के बारे में क्या कहना है, ये देख रहे हैं मक्खन मक्खन, ये आपको फीके की लस्सी के अलावा और कहीं अगर मिल सकता है तो बता दें, हाँ वहाँ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स मैं इस टाइम लाहौर के दिल ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दुकान है फीका लस्सी वाले की। एक टाइम था कि पूरे लाहौर में सिर्फ लस्सी वाली यही दुकान होती थी और यहाँ पर लाइनों में लग कर बारी आती है, आज भी वही सीन है, आप देख सकते हैं कितना रश है दुकान के ऊपर। व्यूअर्स मेरे साथ जो फीका लस्सी वाले हैं उनके यहाँ पर रिलेटिव मौजूद है, हमसे पूछेंगे कि फीका लस्सी वाले के क्या लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वो जो फीका लस्सी वाले यहाँ बैठते थे आप उनके क्या लगते हैं? सर मैं उनका पर पोतरा हूँ, पर पोतरा जी। सही सही सही। सर आपकी लस्सी बड़ी मशहूर है, सुने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल सर, एथलीट्स हो जाए, पॉलिटिशियन हो जाए, एक्टर हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी यहाँ से लस्सी पी के जा चुके हैं। सही है, सभी ने यहाँ से लस्सी जरूर पी, अगर कोई ये नहीं कह सकता हमने नहीं पी लस्सी। सर आपकी जो पेड़ों की लस्सी है वो किस तरह से बनती है? सर ये पेड़ों की लस्सी बनती है खोए से, ठीक है, हम खोए को इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर उसको घोटा लगा देते हैं, इतना मिक्स कर देते हैं कि वो अपना मक्खन छोड़ देता है, वो मक्खन कस्टमर को देते हैं, साथ में सरदाई होती है उस ग्लास के अंदर। अच्छा, अच्छा। और 750 मिलीलीटर का वो ग्लास होता है और उसके ऊपर हम खोया भी लगा के देते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह कस्टमर लाइनों में लग के वेट कर रहे हैं। तो जी पेड़ों की लस्सी जो है वो 220 रुपीज़ का ग्लास है और जो दूध दही वाली लस्सी है वो 110 रुपीज़ का ग्लास है। तो सर आपकी जो दुकान है इसको कितना अर्सा हो गया? सर ये 1947 से यहीं पर है, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ पर है? नहीं नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले की, पार्टीशन के बाद 1947 से ये दुकान लगी यहाँ पे। तो वो जो फीका साहब थे उन्होंने शुरू की थी ये दुकान? जी बिल्कुल सर, ये फीका लस्सी ने शुरू की थी, फिर उसके बाद मेरे वाले साहब को दे दी और फिर अब इस वक्त जो है ये सारा जो रन जो बिजनेस में और मेरा बड़ा भाई कार है। तो सरदाई होती है सारी और ये वाहिद ऐसी लस्सी है जिसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर कभी कभार हो भी जाए मौसम के लिहाज से तो यानी को किलो दो किलो बस हाद, वो भी 40-50 ग्लासों में। सर जायके के लिहाज से अभी भी आपको वही टेस्ट है जो पहले था, कई साल पहले था? जी जायके लिहाज से बात की जाए ना तो अब के दौर में सीधी साफ बात है, ये बात को मानता नहीं, क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। सही, सही। लेकिन करना पड़ता, क्या करें, जब कस्टमर ने पैसे देने तो फिर उसने क्वालिटी भी लेनी है और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या नाम आपका? सैयद आसिफ रजा। अच्छा ये जो डोले हैं ये क्या आपने लस्सी पी के बनाए हैं? नहीं नहीं, ये लस्सी बना के नहीं बनते, ये जो है ना मेरा आज चीट डे है, ठीक है ना, तो ये संडे के संडे ना मैं करता हूँ चीट डे, तो इसलिए मैं लस्सी पीने आता हूँ, ये बहुत ही ना फ़ायदेमंद है, इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो जो आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो ये सब कुछ है इसमें, ठीक है। लस्सी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, एक सिर्फ एक दिन वीक में जब चीट डे है आपका तो वो फ़ायदेमंद है। सर ये ग्वाल मंडी के लोग तो रोज़ पीते हैं लस्सी भाई, ये इनको ये नहीं ना पता ये फैट है, ये खुद खुद लेफ्ट जा रहे होते हैं, पेट इनका राइट जा रहा होता है। ये तो ब्राह्मण आप देख लो, रोज़ पीने से नहीं सही, लेकिन आप एक दिन निकाल लें, जिम लगाएं, साथ में लस्सी पी लें, एक दिन बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। आपने कंपटीशंस भी खेले हैं? जी मैंने खेला है, मैं बनाऊँ पिछले साल बनाऊँ मिस्टर गुजरात। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मिस्टर लाहौर। ये दोबारा तो खेलेगी जरा डबल भाई साहब, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अगर आप लस्सी पियेंगे फीके की तो आप इस तरह के डोले बना सकते हैं। रोज नहीं, एक दिन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर आप कहाँ से आए हो? मैं शाहदरा से आया हूँ ऑल दी वे, और आते रहते हैं यहाँ पे, मतलब स्पेशली फीके की लस्सी पीने, स्पेशली फीके की लस्सी पीने आते हैं हम। सर क्या कहते हैं इस लस्सी के बारे में? लस्सी के बारे में क्या कहना है, ये देख रहे हैं मक्खन मक्खन, ये आपको फीके की लस्सी के अलावा और कहीं अगर मिल सकता है तो बता दें, हाँ वहाँ जाएंगे। ये वो पेड़ों वाली लस्सी पी रहे हैं? पेड़ों वाली लस्सी है ये, पेड़ों वाली तो लस्सी। क्या कहते हैं, पीने के बाद एनर्जी आती है बॉडी में? बॉडी में ऐसी एनर्जी आती है, सारा दिन फ्रेश गुजरता है, अंदर सारा सिस्टम जो है ना गर्मी से वो ठंडा हो जाता है। कोई लोहड़ी तो पी के सोए रहते हैं? नहीं नहीं, वो लोहड़ी नहीं है, वो जो लोहड़ी बनते हैं ना वो सोते हैं, ये तो फ्रेश करती है बंदे को। ये मक्खन इतना आपने खाया हो तो ये आपको सोने देगा माशाल्लाह, ये बताएं, ये एक्टिव करेगा आपको। इनकी बहुत अच्छी होती है, तो हम तो बचपन से आ रहे होते हैं, हम तो बड़ी दूर से आए हैं, तो ये आके बच्चों को ये बताना होता है कि लाहौर में जो नाश्ता वगैरह होता है, पहले हनीफे के बाद गए वहाँ से नाश्ता किया, अब हम इधर लस्सी पीने आए हैं। व्यूअर्स आप देख रहे थे चैनल मुसलमान पाकिस्तान, आज हमने आपको विज़िट करवाया
फीका लस्सी वाले का, जो कि लाहौर की सबसे मशहूर दुकान है और इनकी पेड़ों वाली लस्सी पूरे लाहौर में मशहूर है और इस तरह की लस्सी कोई भी नहीं बना सकता। वैसे अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैरन।